और मेरे शॉपिंग लवर्स, तो कैसे आप तो हाजिर में फिर से आप सभी के सामने एक नए ब्लॉग के साथ। मैं हरिओम सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो कलर्स के ऊपर होने वाला। हटिया बाजार में तुम्हारा भाई खड़ा हुआ है और कलर्स की गली में हम लोग खड़े हैं। देख लो पीछे आप कलर ही कलर दिख रहा होगा। तो चलिए फिर बड़ा बड़ा शॉप के अंदर चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करेगा सबसे पहले देखने के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया का हमारे चैनल में। तो सबसे पहले भैया का नाम जानते हैं। जी हमारा नाम प्रीत गुप्ता है। ठीक है, शॉप एमडी डाइकेम के नाम से है, हटिया रंग बाजार। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले भैया? देखिए हमारे पास तरह तरह की आपको डिब्बीज मिल जाएंगी, रंग मिल जाएंगे, गुलाल मिल जाएंगे, कलर्स मिल जाएंगे, स्प्रे मिल जाएंगे जो आजकल चलने वाले होते हैं। जैसे आप लोग हर्बल मांगते हैं तो वो हर्बल भी हमारे यहाँ। ठीक है, तो जैसे ये डिब्बी की बात करें हम तो जरा निकाल के दिखाइए। जी जैसे ये हमारी डिब्बी है नागमणी के नाम से आती है। ठीक है, सबसे टॉप क्लास और सबसे बढ़िया एक नंबर रंग। अच्छा, कितने रुपए का होगा भैया ये? आप मान लीजिए 100 रुपए का डिब्बा है। कितना पीस होगा? 10 पीस है और इसमें बढ़िया बिल्कुल प्योर माल है, ये हर्बल क्वालिटी जिसे कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो और भी यहाँ पे कलर रखे हुए हैं, जैसे इसकी बात कर ले भैया। तो जैसे ये कलर आपको मिल जाएगा, ये 300 रुपीज पर केजी है। अच्छा, किलो के हिसाब से भैया? सारे कलर बिल्कुल हर्बल होंगे। एक बात बता दीजिए, जैसे आपका होलसेल और रिटेल दोनों का काम है? दोनों का काम है, रिटेल दोनों हमारे पास रहता है। ठीक है, जैसे की ये पाउच की बात करे तो क्या प्राइस होने वाला पाउच का? ये पाउच आप मान लीजिए की बहुत कम कॉस्ट का है, 5 रुपए पर पीस का है। ठीक है, और जैसे कोई रिटेल में लेना चाहे तो मेरे पास सब कुछ मिलेगा, सब वैरायटी मिलेगी, अच्छे से अच्छा मिलेगा और हर्बल क्वालिटी। ठीक है, जो स्किन में कोई भी डिफेक्ट नहीं करेगा। और ये जैसे इसकी बात कर रहे थे आप, ये है ये तोता ब्रांड स्प्रे है, ये 70 रुपए पीस का है, सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए पीस का, जो की हमारी दुकान में मिलेगा होलसेल में। अच्छा, और इसकी बात कर ले हम लोग तो क्वान्टिटी कितनी होगी? क्वान्टिटी है लगभग 1500 ml। अच्छा, 1500 ml है। तो जैसे इसमें छोटे पीसेस भी आते हैं वो अवेलेबल होंगे आपके पास? हैं ये इसमें गत्ते में रखे। अच्छा, ये गत्ते में रखे हुए। इनके प्राइस की बात कर ले तो प्राइस मान लीजिए 40-45 रुपए किलो। अच्छा, सीसी एक कैन ओके। तो देखिए जैसे एक ये भी रखा हुआ, इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो भैया ये दूसरा है या वही है? नहीं नहीं, ये दूसरा है। अच्छा, ये दूसरा प्राइस में, ये 50 रुपए पीस का है। अच्छा, क्वांटिटी कितनी होगी भैया इसकी? ये भी 1200 ml है। ठीक है, और जैसे आपके शॉप में रह के फॉग मिल जाएंगे हमारे पास, जैसे ये 2 पीस फॉग है। अच्छा, 110 रुपए का डिब्बा मिलेगा 2 पीस का। क्या कितने पीस होंगे इसके अंदर? 2 पीस रहते हैं, ये जंबो पैक। ठीक है, ओके। और ये जो रखे हुए हैं इनकी बात कर, हर्बल गुलाल है। अच्छा, ये पूरा पाउच आप मिल जाएगा आपको। कितने पीस होंगे पाउच में? एक पाउच में 5 पीस होंगे, जैसे आप ये देख सकते हैं स्वदेशी हर्बल गुलाल है, हमारा ये खुद का है, एमसी डाइकेम के नाम से है ये। ठीक है, ये 50 रुपीज का मिलेगा। ये देख लो यहाँ पे भैया के शॉप का नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। हाँ, ये हमारे खुद की मैन्युफैक्चरिंग। और भैया का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कॉल करके विजिट करें। और भैया एक बात आप बता दीजिए जो है, एक बात बता दीजिए, जैसे शॉप किसी दिन बंद तो नहीं रहती है? नहीं, हमारी शॉप होली तक 7 डेज ओपन रहती है। ठीक है, तो जैसे ये कलर्स रखे हुए हैं, कलर्स रखे हैं, ये सब कलर्स आपको मिल जाएंगे रिटेल में, आपको मिल जाएंगे, आपको रिटेल होलसेल जैसा भी चाहिए। ठीक है, हमारे पास जैसे ये अगर पैकेट पूरा लेना चाहे तो कितने रुपए का होगा ये? आप मान लीजिए 200 रुपए का। 200 रुपए का बहुत एफिशिएंट प्राइस। प्राइस क्या होगा? मतलब 200 रुपए के 10 पीस कह रहे हैं, प्राइस की बात कर ली हम लोगों ने। क्वांटिटी जो होगी कितने पीस होंगे इसमें? इसमें 50 ग्राम का एक पैकेट है। हाँ, 3 ग्राम्स का है। हाँ, 10 पैकेट है। ठीक है, जैसे ये रेड कलर था, ये ग्रीन कलर है, ग्रीन मिल जाएगा। ठीक है, सेम प्राइस होने वाला? सेम प्राइस होने। ठीक है, और जैसे हम लोग गुलाल वगैरह भी खेलते हैं तो उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो गुलाल में आपको जैसे ये देखिए, आपको गुलाल, ये हर्बल गुलाल मिल जाएगा। ये हर्बल गुलाल आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए पूरा पैकेट पे लिखा हुआ है ना, ये देख लो एक दूसरा आ गया। क्वांटिटी क्या होने वाली भैया? 250 ग्राम्स का। प्राइस क्या होने वाला? ये प्राइस इसका मान लीजिए 30 रुपीज। 30 रुपीज, और इसकी बात कर लें सब दोनों तो देख लो यार, कलर काफी सारे रखे हुए हैं। ये देखो भैया ने उठाए हैं, यहीं से उठाए हैं, और 2-3 कलर और रखे हुए हैं वो भी दिखा दे रहे हैं आपको। ये देख लीजिए, एक ये कलर आ गया पिंक का, शेड पिंक है। और जैसे ये पीछे लगे हुए पाउचेस सब आपको मिल जाएंगे, ये 20 रुपीज का है प्राइस। अच्छा, ये 20 रुपीज का है। ये प्योर हर्बल गुलाल है। प्योर हर्बल गुलाल प्योर स्टार्च का प्योर हर्बल गुलाल है, बिल्कुल सॉफ्ट एंड सिल्क। ठीक है, आपको प्राइस तो बता ही दिया, कलर आपको काफी सारे मिल जाएंगे, ग्रीन मिल जाएगा। हम पास से थोड़ा आपको दिखा देते हैं, ये देख लो काफी सारे कलर मिल जाएंगे। इधर रखा हुआ इनकी बात कर लें तो भैया, जैसे ये रखे हुए ये कलर, इनकी बात कर जो है वो पानी वाले। अच्छा, पानी वाले कलर है, पानी वाले कलर है, और ये जो है हमारे सूखे कलर। ठीक है, और जैसे ये ग्रीन कलर के पैकेट, बड़े बड़े पैकेट है, क्या रेंज होने वाली?
मान लीजिए 80 रुपए का पैकेट पड़ेगा। क्वांटिटी क्या होने वाली? 250 ग्राम। अच्छा भैया एक बात और बता दीजिए, जैसे ये पैकेट हम लोगों ने देखा तो इसमें आपकी भी मैन्युफैक्चर, ये आपकी ही मैन्युफैक्चरिंग? अच्छा वही मैं पूछने वाला था कि आपकी भी इसमें मैन्युफैक्चरिंग? तो देखो भैया की ही ये मैन्युफैक्चरिंग है, भैया खुद मतलब पैकेट वगैरह देते हैं। और बाकी ये देख लो इधर आपको बोरी में देखने को मिल जाएगा, जैसा की अलग वैरायटी हर तरीके का। तो भैया की शॉप हम आपको दिखा दे रहे, देखो काफी सारे रंग इसमें भरे हुए और पीछे भी जैसे ये रखे हुए हैं, ये रखे हुए। और भैया से हम एक बात और आपको पूछ के कंफर्म कर दे रहे हैं, जैसे भैया कोई कानपुर के बाहर देख रहा है तो सबको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा बाय ट्रांसपोर्ट हो तो सफिशिएंट। अच्छा तो आपको जो है वो सारी चीजें यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी, क्वांटिटी में चाहिए तो क्वांटिटी में भी अवेलेबल हो जाएंगे, रिटेल में चाहिए तो रिटेल में भी अवेलेबल हो जाएंगी। भैया से हम लोग सारी बातचीत कर ली है ना, और डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, आप कॉल करके विजिट करें, शॉप किसी दिन बंद नहीं होगी होली तक जी, है ना, होली तक इस बात का ध्यान रखें। तो भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच भैया।